दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पास बहुत कमेंट किए कि सर इसका ऑटो कट कर जाता है, 5 मिनट चलने के बाद इसका ऑटो कट कर जाता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए, वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए कि कैसे आखिरकार ये ऑटो क्यों कट कर जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है इसमें जो ऑटो कट कर जाता है। इसमें 3-4 प्रॉब्लम होती हैं, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले मैंने इसको स्टार्टर को पहले बाईपास किया, मैंने इसको चालू कर दिया, चालू हो गया, हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है अब इसमें देखना। बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अभी जो इस स्टार्टर में प्रॉब्लम थी वो क्या थी, जो वो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बटन है, वो स्टार्टर में सबसे ऊपरी भाग पर लगी होती है, वो हम बटन आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये रही इसकी बटन, ये बटन है जो इसमें, इस बटन पर कार्बन आ जाता है। तो क्या होता है कि इस बटन में कार्बन जम जाने के कारण इसमें जब 450 वोल्टेज जब सप्लाई आती है तो इससे इसमें स्पार्किंग हो जाती है और ये कट कर जाता है। अभी देखना है, अभी इसमें इसकी मैंने बटन ऑफ की तो ये देखिएगा चालू नहीं हो रहा है। अब मैंने इसकी बटन जैसे ही ऑन की तो ये अब चालू हो गया। मैंने इसमें ये बटन बदल दी थी, बदल कर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक भाई ने हमको कमेंट किया था कि ये आखिरकार ये ऑटो हमारा 5 मिनट तक समर चलती है फिर ऑटो कट कर जाता है, तो ऑटो कट क्यों कर जाता है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि इसका मेन प्रॉब्लम तो ये बटन होगी, इस बटन को चेक करो। इस स्टार्टर की बटन को घर पर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस तार को आप लीजिए, कॉपर के पतले तार को, और इसको इन दोनों में इस प्रकार अटैच कर दीजिए जिससे आप घर पर बटन चेक कर सकते हैं। लाइन टेस्टर से चेक करेंगे तो सही बताएगी, लेकिन इससे चेक करो तो ये बटन कंफर्म हो जाएगी कि हाँ बटन ही ख़राब है। इसको कर फिर बाईपास लगा कर चेक करो, अगर समर चलती है तो इसका मतलब है कि बटन ख़राब है, अगर समर नहीं चलती है तो तीनों फेज सप्लाई चेक करो, तीनों फेज सप्लाई आ रही है, जहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं वहाँ के सभी तारों को चेक करो, एक भी तार लूज तो नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ स्टार्टर में, ये तीनों सेट हैं, इन तीनों को चेक करो अच्छे से। उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आ जाता है ये ऑटो, फिर ये ऑटो गड़बड़ है, बस यही कमी होती है। और इसकी मैं सभी आपको कॉइलें चेक करने बता देता हूँ। और दूसरी बात, जिस भाई ने ये मतलब चेक किया था, जिसने मुझको कमेंट की, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले तो आप इसको बाईपास पे करके पहले चेक करो, बाईपास पे कर चलाओ, अगर बाईपास में साफ चल रही है फिर से ऑटो पर करो। अगर ऑटो पर कोई प्रॉब्लम है तो वो चटकनी चेक कर लो, इसके बाद तो फिर ये मान लीजिए कि आपका ये ऑटो ख़राब है और कोई इसमें कमी नहीं हो सकती, फिर ऑटो आप चेंज कर देखिएगा, 100% आपका ऑटो ख़राब है।